टेलीविजन का ये बड़ा नाम अब जा रहा है कंगना रनौत के लॉकअप में कैद होने। ये जो नाम है ये बिग बॉस का हिस्सा रह चुका है, नागिन का हिस्सा रह चुका है और खतरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा रह चुका है। जी हाँ, कौन है ये नाम और कौन अब जेल में कैद होने जा रहा है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, साथ ही मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत का जो शो है हाल फिलहाल कुछ कानूनी लफड़े में फंस चुका है। कहीं ना कहीं इल्जाम लगा है इस शो को कि ये किसी का चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है और बालाजी ने अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसकी दी नहीं है। देखा जाए तो आज जो है इसका शूट होना है और कल जो है ये ऑन एयर हो जाएगा। अब किसका नाम सामने आया है और कौन है ये पांचवा कंफर्म्ड कंटेस्टेंट, दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि है करण वीर बोहरा। जी हाँ, ये नागिन का भी हिस्सा रह चुके हैं, बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं और खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुके हैं, कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। तो करण बोहरा जो है वो नजर आएंगे लॉकअप में। हाल फिलहाल उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है और जानकारी देते हुए करण बोहरा लिखते हैं, मुझे कबूल है हमारी क्वीन का हर एक रूल, गेट रेडी टू वॉच लॉकअप सून ऑन ऑल्ट बालाजी एंड एमएक्स प्लेयर। ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर ये स्ट्रीमिंग होने जा रहा है लॉकअप, और जिसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल कानूनी लफड़े में तो पड़ा है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब ये शो जो है क्या ये पोस्टपोन्ड होता है या फिर जो टाइमिंग्स दी है, जो डेट्स दी है उसी पर दर्शकों को ये देखने को मिलता है। हाल फिलहाल ऑल्ट बालाजी ने और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है, तो ऑडियंस जो है वो यही मानकर चल रही है कि 27 फेब को ये शो जो है वो देखने को मिलेगा। जानना चाहूंगे आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड प्लस टेलीविजन से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।